बाल प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद शीघ्र और सुरक्षित रूप से ठीक होने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सिर को छूना या खुजलाना। प्रत्यारोपित क्षेत्र को छूने, खुजलाने या रगड़ने से बचें ताकि ग्राफ्ट्स न हिले और संक्रमण न हो। जल्दी बाल धोना। अपने सर्जन के निर्देशानुसार बाल धोएं। सीधे सूर्य के संपर्क में आना। कुछ हफ्तों के लिए सीधे सूर्य के संपर्क से बचें। यूवी किरणें संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ठीक होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। कठोर शारीरिक गतिविधियां। कम से कम एक सप्ताह के लिए भारी शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम से बचें, क्योंकि पसीना और खोपड़ी में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह हीलिंग को प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान और शराब। धूम्रपान और शराब का सेवन कुछ हफ्तों के लिए बंद करें, क्योंकि ये दोनों ही रक्त प्रवाह को बाधित कर सकते हैं और हीलिंग की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। अपने डॉक्टर की अनुमति मिलने तक हेयर जेल, स्प्रे या अन्य स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये खोपड़ी को उत्तेजित कर सकते हैं। टोपी या हेलमेट पहनना। कुछ दिनों से हफ्तों तक तंग टोपी, हेलमेट या किसी भी प्रकार के हेडगियर पहनने से बचें जो ग्राफ्ट्स को रगड़ सकता है और उनकी जगह को हिला सकता है। पेट के बल या करवट लेकर सोना। सिर को ऊंचा करके सोएं और पेट के बल या करवट लेकर सोने से बचें ताकि प्रत्यारोपित क्षेत्र पर दबाव न पड़े। संक्रमण के लक्षणों को नजरअंदाज करना। अत्यधिक लालिमा, सूजन या रिसाव जैसे संक्रमण के लक्षणों पर ध्यान दें। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तैराकी। कम से कम दो हफ्तों तक स्विमिंग पूल, हॉट टब और समुद्र में तैराकी से बचें, क्योंकि क्लोरीन और खारे पानी से खोपड़ी को उत्तेजना हो सकती है और संक्रमण का खतरा हो सकता है। हमेशा अपने सर्जन द्वारा प्रदान किए गए विशेष पोस्ट ऑपरेटिव निर्देशों का पालन करें ताकि सर्वोत्तम परिणाम और शीघ्र रिकवरी हो सके।